नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु और एक बार मैं फिर आ गई हूं आपके अपने चैनल ओनली सिंगल लाइफ पर एक नई अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, लाडली बहना योजना। दोस्तों, लाडली बहना योजना को समझने में अब नहीं होगी कोई परेशानी, जानिए इस एक ही वीडियो में अपने हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों, मैं हूं आशु और बने रहिए मेरे साथ आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लाडली बहना योजना 2023 मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का 5 मार्च को शुभारम्भ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसके आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। उससे पहले इस योजना से जुड़े बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न के जवाब अब मैं आपको दूंगी। दोस्तों एमपी लाडली बहना योजना 5 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है। जी हां दोस्तों, योजना के लिए राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस आयोजन और इस योजना के तहत पूरे प्रदेश की करीब 1 करोड़ महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि इस योजना का लाभ महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि हर महीने दी जाएगी। ये राशि सीधा उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस योजना से जुड़े पहलू पर अब भी काफ़ी बहनों को सवाल है कि ये योजना कैसी है। तो आइए जानते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के संबंध में बार बार पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के जवाब। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के क्या उद्देश्य हैं? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वस्थ एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वस्थ एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना। जी हाँ दोस्तों, क्या योजना अंतर्गत परिवार की आपकी कोई भी सीमा है? हाँ दोस्तों, जी हाँ, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 25 लाख से अधिक हो। अब सवाल उठता है कि क्या शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा? क्या सरकारी सेवा में कार्यरत महिला है, जो सरकारी नौकरी में महिला है, तो क्या उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नहीं। यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह अपात्र होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर महिला के घर से कोई भी सदस्य, कोई भी परिवार का मेंबर अगर सरकारी जॉब में है, सरकारी कार्य में है, तो वो इस योजना से वंचित रह जाएंगी। परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी। अब सवाल आता है, आवेदिका किसी अन्य योजना में भी लाभार्थी है और उस योजना से उसको प्रति माह 1,000 रुपए से कम प्राप्त कर रही, तो क्या आवेदिका को इस योजना के लिए पात्रता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, हाँ, अगर 1,000 रुपए में बची हुई शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जाएगा सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए। उदाहरण, यदि आवेदिका सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता है और आवेदिका को 600 रुपए की राशि मासिक प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में 400 रुपए की राशि उसे जोड़कर आपको दे दी जाएगी। अब मन में ये भी सवाल आता है दोस्तों, योजना अंतर्गत लाभ उठाने हेतु आवेदिका को किन किन दस्तावेजों की जानकारी की आवश्यकता है? जी हाँ दोस्तों, मैंने ये आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है और एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ दोस्तों, कि आवेदिका के पास परिवार की समग्र आईडी, व्यक्तिगत समग्र आईडी, आधार कार्ड, स्वयं का आधार लिंक, DBT, इनबिल्ट बैंक खाता और मोबाइल नंबर जिस पर आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के समय OTP भेजा जाएगा होना आवश्यक है। और फिर ये सवाल आता है, जो समग्र आईडी है, समग्र पोर्टल में EKYC से क्या आशाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, और जी हाँ मेरी माताओं बहनों, मैं आपको ये बता दूं कि उक्त EKYC से आशाएं हैं किसी व्यक्ति की समग्र पोर्टल समग्र government.in में स्वयं की समग्र आईडी व उसकी आधार में
दर्ज जानकारी, पंथा, नाम, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, लिंग का मितन करने से है। जी हाँ दोस्तों, उसकी आधार में दर्ज जानकारी, पता, नाम, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, लिंग का मितान करने से है। उक्त दोनों आईडी में जानकारी एक समान होने पर समग्र पोर्टल में ईकेवाईसी तत्काल होती है। जी हाँ दोस्तों, आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में ईकेवाईसी कैसे कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि समग्र आईडी में हम ईकेवाईसी कैसे करें। आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट कर आधार कार्ड नंबर दर्ज करे तथा आधार से प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टि कर अपने आधार को सत्यापित करे। जी हाँ, अगर हमें अपनी समग्र आईडी को ईकेवाईसी करनी है तो अपनी समग्र आईडी को आधार कार्ड नंबर दर्ज करे तथा आधार कार्ड से ओटीपी की प्रविष्टि करे अपने आधार कार्ड को सत्यापित करे। अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापित कर सकते हैं। आधार में दर्ज आवेदिका का नाम, जन्म तिथि और लिंग का समग्र डाटा से मिलान होने पर आवेदिका का आधार ईकेवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। मिलान ना होने की स्थिति में आधार ईकेवाईसी का अनुरोध स्थानीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रेषित हो जाएगा। पात्र महिलाओं के खाते में राशि कब तक ट्रांसफर कर दी जाएगी? भी अकाउंट में ये 1,000 रुपए आएंगे वो कब तक आएंगी? 10 जून तक एवं अगले महीने की हर 10 तारीख को राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्राप्त राशि की स्थिति कैसे देख सकते हैं? दोस्तों, अगर आपके खाते में पैसे आ रहे हैं और हमें ये देखना है कि हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं नहीं आए हैं, तो दोस्तों प्राप्त राशि की स्थिति देखने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा। आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा एवं अपना आवेदन नंबर, सदस्य समग्र आईडी भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई कर देखा जा सकता है।